वाइल वर्किंग ऑन अम्प्यूटर सिस्टम द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डील विथ इज फाइल मैनेजमेंट नो मैटर वट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग बीट विंडोज मैको एस और लिनिक्स एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम स्पोर्ट्स फाइल्स वॉट आर फाइल्स फाइल्स आर अ चंकलोड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और यही डेटा अलग अलग फॉर्म्स में होता है फॉर एग्जाम्पल वीडियो फाइल्स ऑडियो फाइल्स इमेज और डॉक्यूमेंट्स और इन्हीं फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है फोल्डर्स क्या होता है जैसे हम नॉर्मली फोल्डर्स देखते हैं वैसे ही हम फाइल्स को ग्रुपिंग करने के लिए फोल्डर्स में डालते हैं एवरी फोल्डर हैज़ अ फोल्डर नेम एंड एवरी यूनिक फाइल हैज़ अ फाइल नेम फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट एस ए डॉट डि जो हम फाइल को किसी फाइल को नाम देते हैं उसके दो पर्पज होते हैं सबसे पहला पर्पज़ होता है एक यूज़र के लिए ताकि एक यूज़र को याद रहे कि उसने अपनी फाइल का नाम क्या रखा है फॉर एग्जाम्पल इस फाइल का नाम है क्लाइमेट ऐसे तो मतलब ये वाली फाइल क्लाइमेट के बारे में होगी और दूसरा पर्पज जो फाइल नेम सर्व करता है वो कंप्यूटर के लिए करता है ताकि कंप्यूटर रिकोगनाइज करे कि कौन सी फाइल है तो उसी टाइप का प्रोग्राम वो ओपन करे तो इसको हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन जो फुल फुलस्टॉप के बाद डॉट डी ओ सी एक्स लिखा है मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइल है तो कंप्यूटर ऐसे ही रिकग्नाइज करेगा कि इस फाइल को कौन से प्रोग्राम के थ्रू या कौन से एप्लीकेशन के थ्रू ओपन कर रहा है अगर आप कभी भी एक्सीडेंटली इसको रिमूव करते हो तो कंप्यूटर को प्रॉब्लम होती है उस फाइल को ढूंढने में और उस फाइल को ओपन करने में तो अगर आप दोबारा इस फाइल को ओपन करना है तो आपको दोबारा ये एक्सटेंशन इसमें ऐड करना पड़ेगा और फिर अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू कंप्यूटर वो फाइल आपको ओपन करके देगा now let us see different type of file extensions used for different types of data for audios for videos for images or different types of documents or there are other files as well so there are different type of file extensions for storing the same type of data so you might be wondering why are there different types of data so although these extensions store the same type of data बट दे सर्व डिफरेंट पर्पज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑडियो फाइल्स में देखें तो ऑडियो फाइल्स में देर आर सम फॉर्मैट्स विच आर अनकम्प्रेस्ड मीनिंग दे स्टोर हाई क्वालिटी डेटा लेकिन वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं ऐसे ही देर आर सम फॉर्मेट्स विच आर इन कम्प्रेस्ड फॉर्मैट बट दे स्टोर लो क्वालिटी डेटा और वह स्पेस कम लेते हैं ऐसे ही एक कॉमन एग्जाम्पल है एम पी थ्री विच इज़ अनकम्प्रेस फॉर्मैट एंड वे फॉर्मैट ज कंप्रेस्ड फॉर्मैट विच हैज़ लो क्वालिटी डेटा ए सिमिलर कम्पेरिजन कैन बी ड्रॉन इन इमेज फॉर एग्जाम्पल पी एन जी फॉर्मेट या पिंक फॉर्मैट हाई क्वालिटी फॉर्मैट है और जे पी जी फॉर्मैट जो होता है वो लो क्वालिटी फॉर्मैट है इसमें क्वालिटी बहुत ही लो होती है इतने सारे फाइल एक्सटेंशन के होने का रीज़न ये भी है कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है वह अपना स्पेसफिक फॉर्मैट और अपना स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एम एस वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल या एडोबे का एक्रोबैट और फोटोशॉप दे यूज देयर ओन फाइल एक्सटेंशन सो देयर इज़ नो नी टू रिम्बर ईच एंड एवरी फॉर्मैट विध टाइम जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मैट्स हैं वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे और विद टाइम यू विल गेट यूज टू दैम